हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे राफेल डील के बारे में और सबरीमला मामले के बारे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और राफेल डील घोटाले का पर्दाफाश करके मोदी पक्षकार को जीत दे दिए। तो वहीं सबरीमला मामले पर भी तगड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो अभी हम आपको इन दोनों ही मामलों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा का पूरा ध्यान प्रकाश तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश भी रहेगी कि यदि आप कोई भी जानकारी आगे भी ऐसी प्राप्त करना चाहते हो सबसे पहले ही, तो आप इस चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब और पास ही में आगे घंटी के निशान को भी दबाइएगा अवश्य ही। तो चलिए अभी हम बात करते हैं राफेल सौदे के बारे में और सबरीमला मामले के बारे में, और आप सभी को यह बता देते हैं कि इन दोनों ही वादों पर क्या बड़ा फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और किस प्रकार से बड़ा पर्दाफाश किया है इन दोनों ही मामलों पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सबरीमला मामले के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को सांझ जो कि बेंच के पास भेज दिया है, और वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति का फैसला बरकरार रखते हुए बहुत ही बड़ा यहां पर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं इसके अलावा बता दिया आपको तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3-2 से यह फैसला दिया है सबरीमला मामले पर, और इसी कारण सांझ जो कि बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मामले को भेजा भी है। तो दरअसल आप सभी को हम बता दें तो 28 सितंबर 2018 को 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी, और इसी पर जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई थी, और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए केस को सांझ जो कि बेंच के पास भेजा है, और बेंच ने यह फैसला आज जो है 3-2 से किया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अंतिम फैसले तक उसका पिछला आदेश बरकरार रहने वाला, यानी सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश होने वाला, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और यहां पर सभी को हम बता दें तो फैसले पर जो है 56 पुनर्विचार समेत जो है 65 याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी है, यानी दायर की गई थी, और इन्हीं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि अब 7 बेंचों की जज जो है इस मामले पर फैसला देगी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है सबरीमला मामले पर, और कहा है कि पूरी तरह से जो पिछला फैसला था वह बरकरार रहने वाला है, और महिलाओं का बरकरार जो है प्रवेश जो है सबरीमला मंदिर में होने वाला है। यह बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया सबरीमला मामले को लेकर। वहीं आप सभी को हम बता दें तो सबरीमला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही बड़ी बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाएं दायर करने वाला का मकसद धर्म और आस्था पर वाद विवाद शुरू करना है, और महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध सिर्फ सबरीमला तक सीमित नहीं है, यह दूसरे धर्मों में भी प्रचलित है। उन्होंने यहां पर कहा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट को सबरीमला जैसे धार्मिक स्थलों के लिए एक सार्वजनिक नीति बनानी चाहिए, और सबरीमला मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से जुड़े धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच फैसला करने वाली है। यह बात यहां पर सबरीमला को लेकर कही है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रंजन गोगोई ने। और इसी के साथ ही सांझ जो कि बेंच के पास फैसला भेजते हुए सबरीमला का पिछला आदेश बरकरार रख दिया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। और अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े विवाद के बारे में, जो कि राफेल डील और राफेल सौदे को लेकर था, जहां पर मोदी सरकार और मोदी पक्षकार को बड़ी राहत देखने को मिली है, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए पुनर्विचार याचिका राफेल सौदे को लेकर। आप सभी को हम बता दें तो सुप्रीम कोर्ट का आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा, जहां पर सबरीमला मामला सहित राफेल विमान सौदे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जो है राफेल विमान सौदे को लेकर मोदी सरकार को बड़ी राहत भी देखने को मिली। आप सभी को हम बता दें तो सीजीआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए मोदी सरकार को एक तगड़ी राहत दे दिए राफेल सौदे को लेकर।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें पूरी तरह से खारिज की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और इसके साथ ही सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है यहां पर राफेल सौदे को लेकर। और वहीं आप सभी को हम बता दें तो राफेल विमान डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले में CJI रंजन गोगोई, जज संजय किशन कौल और जज KM जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाते हुए राफेल डील की पुनर्विचार की याचिका को खारिज करते हुए मोदी सरकार को बड़ी राहत दे दिए और मोदी सरकार के लिए तगड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। और वहीं आप सभी को हम बता देते हैं तो पुनर्विचार याचिका में क्या था और किस प्रकार से राफेल को लेकर लगी थी पुनर्विचार याचिका। तो आप सभी को यह बता दें तो कोर्ट में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, साथ ही लीक दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की थी और कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में यह कहा था कि बिना ठोस सबूत के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देने वाले हैं। यह बात कहने के बाद ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस जज यहां पर वकील भूषण की तरफ से और इसके अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से राफेल विमान सौदे को लेकर। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी थी राफेल मामले को लेकर और सबरीमला मामले को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राफेल डील घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है और राफेल डील को लेकर मोदी सरकार को बड़ी राहत भी दे दिए। तो वहीं सबरीमला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि 7 जज बेंच जो है पूरी तरह से अब यहां पर फैसला देंगे और पिछला आदेश बरकरार रहेगा 2018 वाला। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मामला और विवाद को लेकर और प्रकरण को लेकर कह दिया है। तो इस प्रकार से यह थी संपूर्ण जानकारी राफेल विमान सौदे को लेकर और सबरीमला प्रकरण को लेकर। तो यदि आपको यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करेगा, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा और साथ ही साथ यदि आप आगे भी ऐसी हर एक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।